इतना सुनकर नारद जी बोले, मैं अभी किसी न किसी भक्त का चरणामृत लाकर आपको देता हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं, आपके दर्द का इलाज जल्द ही हो जाएगा। नारद जी रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती जैसी तमाम रानियों, भगवान के सेवकों, मित्रों और दूसरे भक्तों के पास गए और बोले, भगवान के सीने में दर्द है, उसके लिए मुझे आपके पैर धोने हैं और फिर वह चरणामृत भगवान को पिलाना है। इतना सुनते ही भक्त तो चौंकते, बोले, तोबा तोबा नारद जी, ये क्या अनर्थ और अनिति की बातें आप बोल रहे हैं। भगवान को, जो कि साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है, उनको चरण धोवन पिलाने वाला तो जरूर ही नरक में जाएगा ना बाबा। ना भगवान को चरण धोवन पिलाकर नरक में कौन जावे। नारद जी, आप और कहीं कोशिश कीजिए, हमें तो ऋषि जी क्षमा कर दें। ऐसा कहकर सभी ने इनकार कर दिया। मुंह लटका कर नारद जी लौट आए, भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे। बोले, नारद जी जल्दी दीजिए ताकि हमारा दर्द जल्दी मिटे। भगवान ने पूछा, मुनि जी, किसने अपने पैरों का धोवन दिया है? नारद जी ने कहा, प्रभु, यहाँ तो कोई भी अपने पैरों की धोवन देने को तैयार ही नहीं हुआ। सभी ऐसा कहने लगे कि भले ही भगवान के सीने में दर्द हो, लेकिन भगवान को अपना चरणामृत पिलाकर नरक में कौन जावे। इसलिए प्रभु, चरणामृत तो अभी मिला ही नहीं। भगवान तो पहले से ही यह बात जानते थे। बोले, नारद जी, यहाँ कोई चरणामृत देने वाला नहीं है, यहाँ कोई सच्चा भक्त ही नहीं है। यहाँ यदि कोई देने वाला होता तो हम अब तक उससे खुद ही नहीं ले लेते। यहाँ सच्चे भक्त जो हमारे कष्ट से सचमुच दुखी हों, है ही नहीं। हमसे सच्चा प्रेम करने वाले तो ब्रज में हैं। यदि आप हमारे काम के लिए ब्रज जा सकें, तो हमें विश्वास है कि वहाँ की गोपियाँ हमारे लिए जरूर अपने पैरों की धोवन दे देंगी। नारद जी तो तीनों लोकों में आबाद फिरते ही थे। योग बल से उसी समय सीधे ही ब्रज पहुंचे। ब्रज में बात फैली कि द्वारका से नारद मुनि आए हैं, तो सभी गोपियां अपने घरों का काम काज छोड़कर दौड़ दौड़ कर नारद जी के पास आकर जुट गई। अपने श्याम सुंदर की कुशल पूछने लगी। नारद जी ने बताया कि अभी तो भगवान को कष्ट है, उनके सीने में दर्द है। गोपियां भारी दुखी हो गई, लगी नारद जी से झगड़ा करने। बोली, अरे ऋषि राज, आप कैसे समझदार हैं कि भगवान के तो तकलीफ है और आप बजाय सेवा करने के या कोई उपचार या इलाज करने के, यहाँ हमें समाचार देने के लिए भगवान को तकलीफ में छोड़कर आ गए। नारद जी ने कहा, पुत्रियों, मैं तो उसी काम के लिए ही तो आया हूँ। भगवान के दर्द को ठीक करने के लिए किसी भक्त के पैरों की धोवन चाहिए। क्या तुम में से कोई अपना चरणामृत देने को तैयार है, जिसे मैं ले जाकर श्याम सुंदर को पिलाऊंगा तो वे ठीक हो जाएंगे। सभी गोपियां एक साथ बोली कि यह तो हमें पता नहीं कि हम भक्त हैं या नहीं, किंतु यदि हमारे पांवों की धोवन लेकर कोशिश करें तो हम उम्र भर आपकी कृतज्ञ रहेंगी। गोपियां व्याकुल होकर कहने लगी, नारद जी, कृपा करके जल्दी चरणामृत ले लो ना, कहीं देर ना हो जाए। नारद जी ने फिर याद भी दिलाया कि श्री कृष्ण तो पूर्ण परमात्मा हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने पैरों का प्रक्षालन यदि उनको पिलावें तो हमें नरक में भी जाना पड़ सकता है। गोपियां यह सुनकर और अधीर हो गई, नारद जी के इस तरह के टालम टोल पर रोने लग गई। रोते रोते बोली, अरे नारद जी, नरक में जाने से कौन डरता है? जब नरक में जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, इसमें क्या गम है? कन्हैया के सीने में तो अभी दर्द है, वह तो मिट जाएगा कि नहीं? बाद में यदि धर्मराज जी नरक या 84 में भेजेंगे तो हमें तो सहर्ष मंजूर है। हमारा भी जीवन कन्हैया के कुछ काम तो आवे, हमें नरक में जाना मंजूर है। इसका नाम है प्रेमा भक्ति।
अपने प्रेमी पर सर्वस्व कुर्बान करने का जज्बा। भक्त भी भगवंत से अभी तक दूर व अलग इकाई है, यानी प्रेम में द्वैत मौजूद है, लेकिन भक्त अपना वजूद, अपनी हस्ती, अपना अस्तित्व तो प्रभु में लीन करने को आतुर है, तड़प रहा है। इसी का नाम विरह है, लगन है, जो आगे चलकर दो अलग-अलग हस्तियों को मिलाकर एक कर देगी। प्रेम की ऐसी गूढ़ व ऊंची दशा में भक्त तो सभी समझदारी, लोक व्यवहार, सावधानी, सावचेती, चतुराई और यहाँ तक कि अपना सुख दुख सभी भूल जाता है। प्रेम और करुणा के सागर भगवंत उसके आगे पीछे घूमते हैं, भक्त के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त को यदि तकलीफ हो जाए तो प्रेम की तीव्रता से वह तकलीफ भक्त को नहीं बल्कि भगवंत को व्याप्ती है। भगवान जब द्वारका में राज करने लगे तो समयाभाव के कारण खुद वापस ब्रज नहीं जा सके। एक बार राधा जी को और उनकी अन्य प्रेमी सखियों के साथ ब्रज में बुलाया। राधा जी और गोपियों को पास ही के एक महल में ठहराया गया। उनकी प्रेम भरी विवहल दशा को देखकर रुक्मणी आदि रानियां दंग रह गई। ऐसा अद्भुत प्रेम कि प्रेम में वे सब पागलों और घोर दुखियों की जमात लगती थी। भगवान उनकी दशा ठीक तरह से जानते थे। उनकी सेवा, टहल, चाकरी का अच्छा इंतजाम भगवान ने किया और खुद उनकी सेवा के काम की निगरानी रखते थे। भगवान जानते थे कि राधा जी आदि से ठीक तरह से खाना नहीं खाया जाता है। वे सब विरह दग्ध थी, इसलिए रात पड़ने पर बोले कि अपने ब्रज के मेहमानों को सोने के पहले दूध दे दो, और रुक्मणी जी को बोले कि आप खुद जाकर अपने हाथों से राधा जी को दूध देकर आइए। रुक्मणी जी कुनमुनाई, वे पटरानी थी, फिर भी भगवान की आज्ञा पाकर खुद गई, दूध गर्म किया और राधा जी को जल्दी जल्दी देकर आ गई। राधा जी को भूख प्यास, ठंडा गर्म, मीठा फीका का कोई भान तो था नहीं। उन्होंने यह जानकर कि भगवान ने दूध भिजवाया है, दूध पी लिया। इधर भगवान सोने की तैयारी करने लगे थे कि अचानक उनके तेज जलन हुई, मुंह, होठ, जीभ सब जल गए, भोजन नली पूरी जल गई। भगवान दर्द और जलन से कराहने लगे। रुक्मणी देवी ने पूछा, अब आपको क्या कष्ट हो गया? भगवान ने अपना मुंह खोला तो मुंह, जीभ, होठ सभी जले हुए थे। रुक्मणी जी ने पूछा, अब बैठे बैठे आपके ये सब कहाँ से जल गया? भगवान ने पूछा, देवी जी, आपने राधा जी को जो दूध दिया था वह पीने लायक ठंडा करके दिया था या जैसा चूल्हे पर से उतारा वैसा ही उनको पकड़ा दिया? रुक्मणी जी ने तो गर्मा गर्म ही पकड़ा दिया था। उधर राधा जी जो भगवान के चिर विरह में लगभग बेहोश जैसी ही रहती थी, उनको कोई भान भी नहीं था। जैसा सामने आया, जैसा किसी ने लाकर दिया, वैसा पी लिया। उस गर्मा गर्म दूध से छाले राधा जी को नहीं भगवान के गले में पड़े। ऐसी विचित्र रीत और परिपाटी है प्रीत की, तीन लोक से जुदा है, इसलिए तो कहा गया है, गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। प्रीत की रीत कछु नहीं राखत, जाति न पाति नहीं कुल गारो। प्रेम कुने में कहूं नहीं दिसत, लाजन कान लग्यो सब खारो। लीन भयो हरि सु अभियंतर, आठउँ याम रहे मतवारो। सुंदर कोउ क जानी सके यह, गोकुल गांव को पेंडोई न्यारो। नवदा भक्ति के 9 अंग सभी प्रभु से प्रेम को विस्तार देने वाले हैं। वही प्रेम स्वयं साक्षात
प्रेम भक्ति के रूप में जब उपस्थित हो तो उसका तो वर्णन किसी भी प्रकार से किया ही नहीं जा सकता। प्रभु स्वयं प्रेम रूप हैं, यानी यह प्रेम प्रभु ही है, तो इसकी महिमा अगम है। इसी प्रेम से प्रेमी और प्रीतम रचे गए, फिर प्रेमी और प्रीतम के प्रेम संबंध और प्रेम विस्तार से यह विस्तारित रचना रची गई। यही प्रेम भक्ति जहाँ पर भरपूर खिली हुई उपस्थित हो तो वहां सृष्टि रचना के किसी भी कानून या मर्यादा का दखल नहीं है। कोई दूसरा नियम प्रेम पर लागू ही नहीं होता। स्वयं प्रेम स्वरूप प्रभु भी केवल प्रेम का रिश्ता और प्रेम का एक नियम ही मानते हैं। प्रेम अपने आप में एक अनोखा नियम है और ऐसा अनोखा नियम है जिसकी तुलना दूसरों से नहीं की जा सकती। लक्ष्य अलक्ष्य अदक्ष न दक्ष पक्ष अपक्ष न तूलन बारो झूठन साच अवाचन वाचन कंचन काचन दीन उदारो जान अजानन मान अमानन सान गुमानन जीतन हारो सुंदर को जानी सके यह गोकुल गाँव को पेंडो ही न्यारो द्वंद बिना बिचरे वसुदा पर जो घट आत्म ज्ञान अपारो कामन क्रोधन लोभन मोहन रागन द्वेषन मारुन गारो योगन भोगन त्यागन संग्रह देह दशान ढक्यो न उगारो सुंदर को जानी सके यह गोकुल गाँव को पेंडो ही न्यारो। संत मत के अनुसार वह गोकुल गाँव यानी प्रेम भक्ति का आखिरी मुकाम सच्चा मोक्ष पद सच्चा अविनाशी धाम सत्यलोक है। यहाँ तक भेद भक्ति है। भेद भक्ति में एक प्रीतम यानी स्वामी या साहिब होता है और दूसरा उससे प्रेम करने वाला होता है। सत्यलोक सत्य शब्द यानी सतनाम का धाम है। यहाँ के मालिक को संतों ने सत्य पुरुष सदगुरु दयाल कहा है। सूरत यानी रूह उससे प्रेम करके जगत से नाता तोड़कर प्रेम की आंच में तपकर सब विकार और मेल को जलाकर पूरी तरह पाक और साफ होकर वहां पहुंचती है। प्रेम का आधार नाम और रूप है। उन अनामी पुरुष का सत्यलोक में आदि नाम सतगुरु है और उनका आदि रूप सत्य पुरुष का सत्य स्वरूप है जो निराकार निरूप निर्मल अमल और अरूप प्रभु हैं, जिनका कोई नाम ही नहीं कहा जा सकता न ही जिनका कोई स्वरूप है। उन्हीं निज प्रभु ने प्रेमी भक्तों के लिए सत्य नाम और सत्य स्वरूप सत्य लोक के मुकाम पर धारण किया है। दयालु स्वामी जी साहब ने इस भेद का इशारा इस प्रकार किया है। सतगुरु 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 स्वामी अमल अरूप सतगुरु स्वामी सतगुरु 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 स्वामी सत्य स्वरूप सतगुरु स्वामी। प्रेम भक्ति ही भेद भक्ति है और इसका आधार है नाम और रूप। बिना नाम और बिना रूप के किसी से प्रेम ही नहीं किया जा सकता। प्रेम के अभेद श्रेणी पर पहुंचने के बाद तो नाम और रूप विलीन हो जाएंगे, किंतु बिना नाम और रूप के प्रेम की शुरुआत ही नहीं होगी। अरूप व अनाम प्रेम तक पहुंचने का साधन नाम और रूप ही है। बिना नाम और रूप के कोई पहचान ही नहीं होगी। मन में किसी वस्तु का विचार ही बिना नाम और रूप के नहीं आता। प्रत्येक विचार का एक न एक नाम और एक न एक रूप अवश्य होगा। यहाँ तक कि प्रत्येक स्थूल और जड़ पदार्थ का सूक्ष्म और सूक्ष्मतर अंश कोई न कोई विचार है। जैसे किसी आदमी का दिमाग जब गड़बड़ा जाता है तो उस पागलपन की दशा में विचार भी गड़बड़ा जाते हैं।
जड़ दिमाग, जड़ पदार्थ और सूक्ष्म पदार्थ दरअसल में दो नहीं है। इसी तरह आकार सहित और नाम सहित परमात्मा का स्वरूप ही हमें असीम, अपार, अरूप, अनाम, अनंत सत्ता से मिला सकता है। यानी परमात्मा के सरगुण रूप देहधारी गुरुदेव तथा वर्णात्मक नाम पहले शब्द गुरुदेव के रूप में और दुन्यात्मक नाम से जोड़ेंगे, और शब्द गुरु और दुन्यात्मक नाम का प्रेम, शब्द गुरु और दुन्यात्मक नाम का प्रेम भाव और प्रेम विचार की स्थूल अवस्था जगत के देहधारी गुरु और सूक्ष्म अवस्था घट में दुन्यात्मक शब्द है। ये दोनों ही संत मत की प्रेम भक्ति के आधार हैं। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुजत सुखदन परत बखाने। नाम रूप दो ईश उपाधि, अकत अनादि सुसामुझि सादि। बारहवीं अमल भक्ति, अनुपावनी भक्ति। सतगुरु 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 स्वामी, अमल भक्ति दे सतगुरु स्वामी। भक्ति भावनो बरन सुनाई, तासे भिन्न चार पुनि बाई। नो फल भाव वेद बतलावे, जो जस करे भोग तस पावे। नो की राह मुक्ति नहीं पावे, दसवीं अविरल भक्ति लखावे। एकादश अनुपावन ले, बार बार मुक्ति वर दे। हरि भया तो क्या भया, जो करता हरता हो। साधु ऐसा चाहिए, जो हरि भज निर्मल हो। प्रेम भक्ति मोक्ष यानी मुक्ति देने वाली है, और संत मतानुसार पूर्ण मुक्ति या सच्चे और अविनाशी मोक्ष का धाम सत्यलोक है। यहाँ अनामी पुरुष दया करके प्रेमियों की उमंग और अभिलाषा पूर्ण करने के लिए सत्य स्वरूप धारण करके विराजते हैं। प्रेमी हंसों को दर्शन देते हैं। प्रेमियों की उमंग पूरी करने और उनको खुशी बख्शने के लिए उनकी सेवा मंजूर फरमाते हैं। यह भेद भक्ति का रूप है। भेद भक्ति में प्रेम बढ़ता ही जाता है। सत्य लोक के आगे के दो धाम अलख लोक और अगम लोक बेहद प्रेममय, इतने अधिक पवित्र और दिव्य हैं कि उनका वर्णन किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। ये मुकाम परम संतों के विश्राम स्थल हैं। यहाँ की रचना न तो भेद सृष्टि में गिनी जा सकती है, न ही अभेद सृष्टि में गिनी जा सकती है। रचना के पवित्रतम धाम यही हैं। इसके भी ऊपर जो सबसे परे का धाम या ठिकाना है, उसे किसी प्रकार का धाम या मंडल या ठिकाना या पद कैसी भी संज्ञा नहीं दी जा सकती। निज धाम या अनामी धाम तो अभेद भक्ति का मुकाम है, और अलख लोक और अगम लोक की रचना अमल भक्ति की रचना है। भक्ति भक्ति नाम प्रेम के प्रबल आकर्षण का है। यहाँ उसी पवित्रतम प्रेम का साम्राज्य है। सभी संत सूरतें या हंस प्रेम में निमग्न उसी प्रेम सिंध का रूप ही हो रहे हैं। इसे यूं समझा जा सकता है कि जैसे मछली जो समुद्र में रहती है उसका जल से प्रेम है, ऐसी रचना हो कि जब मछली के उमंग उठे तो वह समुद्र में तद्रूप होकर समुद्र बन जावे। यानी जब उमंग और मौज हो वह प्रीतम में मिलकर प्रीतम ही बन जावे, और जब उमंग प्रेम की मिठास को महसूस करने की हो, प्रेम की मधुरता चखना हो, तब वापस मछली बनकर प्रेम जल में किलोल करे, यानी कि प्रेमी आशिक बन जावे। यानी वहां की सूरतें अपनी प्रेम की उमंग और हिलोर में कभी प्रीतम रूप और कभी प्रेमी रूप में किलोल करती हैं। वहां प्रेम निर्मल शब्द के रूप में है। घट रामायण में सदगुरु तुलसी साहब जी फरमाते हैं,
सलिता जिमि सिंध सिदारी, सूरति रत शब्द बिचारी, जह सुन्नन सुन्नी न्यारी, मत मीन महासुन पारी, नहीं गुण निर्गुण मत झारी, निज नाम नि अक्षर भारी, जह पिंड ब्रह्मांडन तारी, तुलसी जह सुरति हमारी। भेद भक्ति यानी नवदा भक्ति, ज्ञान भक्ति और प्रेम भक्ति में जो प्रेम तड़प बेकली थी, जो विरह की तपिश थी, वो इस 12वीं दशा में आकर प्रेम के अथाह सागर जैसी धीरता, गंभीरता, गहराई और शांति को प्राप्त हो गई। ऐसे प्रेमियों के रोम रोम में प्रीतम बसे हैं और जर्रे जर्रे में वे अपने प्रीतम को ही देखते हैं। निर्मल शब्द की रचना की शोभा या शब्द का जलवा या सत्य देश के सत्य शब्द की असल महिमा और जोहर इन्हीं मंडलों पर है। यह अमल भक्ति और उसका धाम इतना अधिक पवित्र है कि उसकी केवल चर्चा मात्र करने से और उसको प्रेम से याद भर करने से ही हम समस्त पाप ताप विकार से परे और निष्कलंक बनते हैं। वहां के शब्द की झनकार एक बार में ही हमारे आवागमन के बंधन काटने वाली है। वहां के शब्द की अद्भुत धुनों का कोई नमूना इस दुनिया में नहीं है। आसिक हिक वजू जो कीता, रोज कयामत ताई हूँ, बीच नमाज रकू सजूंदे, रहंदे संज सबाही हूँ, ऐथे ओथे दोही जहानी, सब फकर दिया जाई हूँ, अरसाते से मंजिल अगे, पैदा कम्मति नाही हूँ। प्रेमी कलमे से एक बार ही वजू करते हैं और उसका असर कयामत तक रहता है। वे दिन रात बंदगी में रहते हुए मालिक की चौखट पर सिर झुकाए रहते हैं। दोनों जहानों में प्रेमियों के लिए हर एक जगह ही मालिक की बंदगी का ही स्थान है। मालिक के प्रेमियों का मुकाम तो गगन मंडल की ऊंचाइयों से भी कई सौ मंजिलें परे है। यह अमल भक्ति सदैव ही समय और स्थान यानी कि देश काल के निमित्त के परे है। देश और काल के निमित्त नीचे ही समाप्त हो जाते हैं, आगे केवल एकमात्र अपना प्रीतम सत्य शब्द और उससे अपना प्रेम का अगाध रिश्ता, जिसका कि कोई वार पार नहीं है, वही शेष बचता है। ऐसे निर्मल प्रेमियों के लिए ये कोई बंदिश नहीं है कि वे कहाँ रहे। सच्चे संत जगत में जब पधारते हैं तो उस समय भी वे परमात्मा में समाये रहते हैं। सतगुरु शब्द की भक्ति यानी शब्द के अभ्यास की इतनी भारी महिमा है कि इसी सत्य शब्द के अभ्यास से, इस सतगुरु नाम में प्रेम से, सुरत परमात्मा की जात में विलीन होने के लायक सुपात्र हो जाती है। सत्य देश के सतगुरु शब्द के अभ्यास की ही केवल इतनी भारी महिमा है कि इसी नाम के प्रताप से सुरत जीवात्मा काग दशा से इतनी ऊंची गति के निर्मल हंस की दशा को हासिल कर सकती है। दूसरा कोई साधन यहाँ तक नहीं पहुंचा सकता। गो सकुतब हन उरे उरे रे, आसिक जान अगेरे हु, जेडी मंजिल आसिक पहुंचन, गोसन पावन फेरे हूँ, आसिक विच वसा विशाल देरंदे, लामकानी डेरे हूँ, मैं कुर्बान तीनों तो जिन्हा, जातो जात बसेरे हूँ। कर्म कांडी और बाहर मुखी साधन करने वाले इधर उरले ही रह जाते हैं। सत्य शब्द की साधना करने वाले सच्चे प्रेमी ला मकां पर डेरा करते हैं, जहाँ केवल एक प्रेम पुरुष ही है जो सत्य शब्द के अभ्यास के द्वारा
वापिस परमात्मा की जात के जैसे पवित्र बन गए हैं। हम उन प्रेमियों पर सदा बलिहार हैं। सदगुरु तुलसी साहब घट रामायण में फरमाते हैं, हे अलि आदि अंत अधिकारी, प्रिय प्यारी प्रीत दुलारी, हम की ना खेल पसारी, सब रचना रीति हमारी, करता नहीं काल पसारी, हम अगम पुरुष की नारी, ठुमरी सोई संत विचारी, तुलसी नित नीच निहारी।